नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड सरकार रांची में विकास के कार्यों को नया आयाम दे रही है। पुल निर्माण से लेकर जीर्णोद्धार के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में रांची की हरमू नदी का जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण का काम भी शुरू किया गया। इस काम के लिए सरकार ने 85 करोड़ के भारी भरकम बजट का निर्धारण किया। नदी के जीर्णोद्धार का काम जारी है, लेकिन ये नदी अब नाले के रूप में तब्दील होती दिख रही है, जो विपक्ष को भी रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि अब इस 85 करोड़ के नाले पर सियासत शुरू हो गई है। बड़ी खबर में इसी पर बात करेंगे। पचासी करोड़ रुपए खर्च कर राजधानी रांची की हरमू नदी का जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण किया जा रहा है, जो अब मूर्त रूप लेने लगा है। हरमू नदी के सौंदर्यकरण के बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे थे, लेकिन इस नदी का स्वरूप अब भी नाले जैसा ही दिख रहा है। हरमू नदी के सौंदर्यकरण पर झारखंड सरकार काम कर रही है। इस बाबत 85 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी मिली है, लेकिन नगर विकास विभाग को ये योजना फेल होती दिख रही है। हरमू नदी करोड़ों के खर्च के बाद भी नदी नहीं बल्कि नाले में तब्दील हो गई है। कुछ दिनों में 1.5 लाख घरों के नाले के पानी को नदी में प्रवाहित किया जाएगा, जिसके लिए 6 नालों का निर्माण कार्य भी पूरा होने लगा है। योजना के तहत नाले का पानी साफ होने के बाद प्रवाहित होना था, लेकिन गंदे पानी को साफ करने के लिए कोई प्लांट तैयार नहीं किया गया है। हालांकि विभाग के मंत्री नदी को बेहतर बनाने के लिए अलग से DPR बनाए जाने की बात जरूर कह रहे हैं। हम हो रहे हैं, उसमें और भी उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। हम लोगों ने उसका अलग से फिर DPR और बनवाया है। ये काम जो पहले का ठेकेदार है जितना कर लेता है, उसके बाद फिर उसको हम करेंगे। अब हरमू नदी के बारे में भी लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। लोग सोचते हैं कि साबरमती क्यों नहीं बन रहा, साबरमती की तरह क्यों नहीं हो रहा। अब हमारे पास उतनी जगह नहीं है, हमारा उतना चौड़ा पाट नहीं है, तो स्वाभाविक पानी भी नहीं है। आज वर्षा का पानी होती है तो हरमू नदी में लगता है कि वर्षा की पानी नदी कलकल ध्वनि से बह रही है, लेकिन जैसे ही धूप होता है पानी के लाले पड़ जाते हैं। वहीं हरमू नदी के मामले पर विपक्ष का कहना है कि सरकार सौंदर्यकरण के नाम पर जनता का पैसा लूट रही है। बावजूद इसके नदी नाला तो क्या हरमू महज एक नाली बनकर रह गई है। असल में ये सरकार के लोगों को डूब मरने के लिए नाला ही चाहिए, नदी तो चाहिए नहीं। जो अच्छा वाला नदी को इन लोगों ने नाला बना दिया, और सुंदरीकरण के नाम पे जो लूट किया है ये उसी का नतीजा आज हरमू नदी है। ये सब जेल जाएंगे। इसकी जिम्मेवारी तो राज्य सरकार के साथ साथ नगर विकास विभाग को भी ये दिया लेंगे, और उसके बाद एक बहुत बड़ा मंत्री यहाँ पर है जो नदी में चाहते हुए चलते हैं, उनसे पूछना चाहिए था, क्योंकि वो अब नाला भी नहीं है, वो एक ड्रेन बन गया है नाली। ऐसे में देखा जाए तो हरमू नदी का अस्तित्व अब खतरे में है, और आम आवाम को दिखाया जा रहा है हरमू नदी के सौंदर्यीकरण का सपना महज एक छलावा प्रतीत हो रहा है। सरकार की कार्यशैली पर उठ रहे सवालों के बीच बड़ा सवाल ये कि नाली के गंदे पानी को नदी में प्रवाहित करना, ये कैसा सौंदर्यीकरण माना जाए। न्यूज इंडिया के लिए रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। नदियों का जल इतना निर्मल हुआ करता था कि लोग उसे पी सकते थे, पर अब पीने की बात तो दूर, लोग उसे छूने से भी कतराते हैं, खासकर अगर राजधानी रांची के हरमू नदी का जिक्र हो तो। हमारे संवाददाता कमल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। कमल, हरमू नदी पर 85 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इतने रुपए खर्च कर नदी का सौंदर्यकरण नहीं बल्कि एक तरह से कहें कि उसे और बड़े नाले में तब्दील किया जा रहा है, शहर की सारी गंदगी को उस नदी में गिराने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से जो योजनाएं थी उसके अनुसार इसका जो सौंदर्यीकरण करना था और जीर्णोद्धार करना था वो पूरी तरह से नहीं हो पाया है, जबकि इस अगस्त तक इसका काम भी पूरा करना था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। और जिस तरह से जो 6 नाले इसमें मिलाए जा रहे हैं, जिस जो योजना थी उसके तहत 6 नालों का पानी जो था उसको फिल्टर करके इसमें मिलाना था, लेकिन फिल्टर के लिए भी प्लांट अभी तक नहीं लग पाया है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि लगभग 84 करोड़ जो लगाए गए सौंदर्यकरण को लेकर के,
वो बेमानी साबित हो रही है कहीं ना कहीं। जो स्थितियां हैं, बारिश होती है तो जो बनाए गए हैं सौंदर्यकरण के लिए जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो टूट जाते हैं। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर जो सौंदर्यकरण होना चाहिए था, जो सही तरीके से जो नदी का स्वरूप इसको मिलना चाहिए था, वो नदी का स्वरूप बदलकर नाले में तब्दील हो गया है। इसको लेकर के लगातार हरमू नदी को लेकर के लगातार आंदोलन भी हुआ कि हरमू नदी को बचाना है, और उसको उसके तहत कई कार्रवाइयां भी हुई। और जो नगर विकास मंत्री हैं उनके तरफ से जब उनसे जब ये पूछा जाता है कि क्या स्थितियां, तो उनके तरफ से ये जवाब आता है कि अलग से DPR बनाया जा रहा है ताकि जो भी व्यवस्थाएं और होनी चाहिए बेहतर उसके लिए और भी DPR बनाए जा रहे हैं। और हरमू नदी के बजाय वो स्वर्णरेखा नदी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि हरमू नदी के जीर्णोद्धार के लिए जो बातें कही गई थी, जो योजनाएं बनाई गई थी सौंदर्यीकरण के लिए, वो फेल हो गई है। और उसी का नतीजा है कि वर्तमान में जो हरमू नदी है वो नाले का स्वरूप ले चुका है। और इसको लेकर के विपक्ष ने भी हमला बोला है, जिस तरह से JMM ने कहा है कि लूट की जा रही है, कांग्रेस ने भी कहा है कि लूट की राजनीति की जा रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का भी लगातार आरोप जायज लग रहा है। जिस तरह से कमल, जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कई जगह पर स्पष्ट चेतावनी लिखी हुई है कि नदी में कचरा फेंकना मना है और पकड़े जाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि सरकार खुद नदी में कचरा डंप करने की कवायद कर रही है, पूरे शहर का गंदा पानी नदी में ही गिराया जाएगा। हमारे साथ पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी जी जुड़े हुए। नीतीश जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी, नीतीश जी, हरमू नदी, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण है ये रांची के लिए। देखिए, हरमू नदी तो आज की नदी नहीं है, लाखों साल पुरानी है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये नदी के किनारे आप देखिएगा, ये नदी जो है ये सौंदर्यरेखा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। और जब सौंदर्यरेखा पहले जब सूखने लगती थी तो हरमू नदी का पानी उसमें जल देता था, जिससे पूरे उस क्षेत्र रांची का आधा क्षेत्र उस जल का उपयोग करता था। अब क्या है कि हरमू नदी जो है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। लोग पहले से बालू भी निकालते थे, आज से 30-40 साल पहले। तो अब हरमू इसलिए भी, क्योंकि ये हमारा जिस एरिया से गुजरता है वो हमारे ग्राउंड वाटर को भी ये रिचार्ज करता है। तो अब ये स्थिति ठीक उलट हो गई है। तो अब क्या स्थिति हो रही है कि हरमू नदी के अस्तित्व पर ही खतरा है। इसलिए जो इसका इंपॉर्टेंस था इस रिवर का, कि ये स्वर्णरेखा की सहायक नदी थी, बहुत बड़े क्षेत्र से होकर गुजरती थी, उस पर खतरा अब मंडरा रहा है। जी नीतीश जी, नगर विकास मंत्री कहते हैं कि हमारे पास उतना चौड़ा पार्ट नहीं है, नदी की चौड़ाई उतनी नहीं है कि हम इसे साबरमती की तरह तब्दील कर सकें, जिस तरह से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सौंदर्यकरण का मतलब वो होता है। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर वो मान रहे हैं कि इस नदी की जमीन का अतिक्रमण हुआ है और सरकार की कुव्वत नहीं है कि उस अतिक्रमण को मुक्त करा सके। जी बिल्कुल, सीपी सिंह जी ने ठीक ही कहा है, क्योंकि जिस तरीके से नदी का अतिक्रमण पिछले 30-40 साल से होता आया है, झारखंड बनने के बाद ये काफी तेजी से हुआ है, किसी का ध्यान इस ओर गया नहीं है। तो अभी जो स्थिति जो है कि, लेकिन अब यह है कि नदी को हमने और भी छोटा कर दिया, उनके लिए और भी हमने रास्ता दे दिया जो अतिक्रमण करते हैं। तो जो नदी की चौड़ाई, जो ओरिजिनल चौड़ाई थी, अगर उसको भी हम उस वैसे ही स्थिति में छोड़ के उसको अगर डेवलप करते तो नदी का अस्तित्व में जो है वो बचा रहता, नदी रहती। अब तो ये छोटा पतला नाला हो गया है, जिसको हम लोग हरमू कैनाल बोलते हैं अब मजाक में। तो अब ये स्थिति है कि हरमू को हमने काफी छोटा कर दिया है। तो पहली वाली भी स्थिति भी रहती नदी की, तो मुझे लगता है ये बच जाती नदी। तो अब तो नदी काफी पतली हो गई है, अब ये सिर्फ कचरा धो रही है, क्योंकि जो इसका उद्गम स्थान है हरमू नदी का, वहां भी अतिक्रमण हो गया है, जिसके चलते अब ये जो पानी इसमें 12 मास रहता था अब नहीं रहता है, सिर्फ बरसात में थोड़ी बहुत पानी जो मिलता है 4-5 दिन रहता है, उसके बाद फिर ये नाला बन जाता है। जी, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो देखते आए हैं किस तरह से हालात बदले हैं, लेकिन इसके बावजूद सीपी सिंह इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और वर्षों से राजनीति में हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो उन परिस्थितियों को जरूर खुद देखे होंगे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं नीतीश जी, और वो समझ रहे होंगे कि पहले क्या स्थिति थी, अब क्या हो गई है और हम आने वाले वक्त में इसकी क्या दुर्गति करने जा रहे हैं। जीतू चरण राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी विधायक हैं। जीतू चरण जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद जीतू चरण जी। नीतीश प्रियदर्शी जी पर्यावरण विधायक इलाके के, उनका कहना है कि हम मजाक में अब कहते हैं कि ये हरमू कैनाल हो गया है, लेकिन ये मजाक नहीं, ये तल्ख हकीकत है और शायद सरकार इस हकीकत को समझ नहीं रही है। देखिए दीपक जी, जी हरमू नदी इसमें कहीं दो मत नहीं है कि ये कैनाल बन गई है, सच है, लेकिन इसके लिए जीर्णोद्धार का काम सरकार काफी जोरों से प्रयास कर रही है कि उद्गम स्थल से लेकर के अंतिम तक जहां तक इसका है जी, उसका सुंदरीकरण किया जा रहा है। काम में धीमी है बरसात के कारण,
उसके कारण कई एक मिट्टी आसपास के कट करके नदी पे चला गया, जिसके चलते कैनाल शैलो हो गया है और उसके कारण लोगों के नजर में ये सारी बातें आ रही है, दिख भी रही है। लेकिन मैं इतना आश्वस्त कर रहा हूँ कि आने वाला दिन में हरमू नदी जो एक लाइफ लाइन था रांची का, वो लाइफ लाइन बनेगा, मैं ऐसा अश्योर कर रहा हूँ आपको। जी चलिए, आप आश्वस्त तो करा रहे हैं जीतू चरण जी, लेकिन हम भी आपको बता दें कि जो सरकारी स्तर पर प्रयास हो रहा है, जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, वो इसलिए खर्च किए जा रहे हैं कि पूरे शहर में नाला बनाया जाए और उस नाले के जरिए शहर भर की गंदगी को इस हरमू में डंप किया जाए। ये नहीं हो रहा है कि हम नदी की पाट चौड़ी करें, अतिक्रमण मुक्त करें या फिर उसमें पानी जो घटते जा रहा है उसकी व्यवस्था करें। आने वाले वक्त में रांचीवासियों के सामने पानी की ऐसी किल्लत होगी कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वही होगी। हमारे साथ चैनल हेड मनमोहन सिंह राजपूत भी जुड़े हुए हैं। मनमोहन जी, क्या वाकई लगता है कि गंगा को लेकर जिस तरह से हवा खड़ा किया गया था केंद्रीय स्तर पर, हरमू को लेकर भी उसी तरह की कवायद हो रही है, उसी तरह की दलीलें दी जा रही है, लेकिन जो हश्र गंगा का हो रहा है वही हश्र हरमू का भी होगा, कुछ बेहतर होने की उम्मीद है क्या? दीपक, जिस तरह से मैं और हम सबको जानते हैं कि गंगा नदी और गंगा के लेकर कई प्रोजेक्ट चलाए गए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई फंड भी पास किए, लेकिन आज तक वो कहीं से भी किसी रूप में प्रारूप नहीं दिख रहा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करे चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करे। दीपक, पहली बात। दूसरी बात, जिस 85 करोड़ की हम बात कर रहे हैं कि जिसके जीर्णोद्वार के लिए इतने पैसे खर्च करने थे, अच्छा किए गए, जो भी, सालों साल पुरानी नदी है दीपक। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो पहले भी शिक्षा जो हमारे साथ प्रयाण भी जुड़े हुए थे, एकदम सच्चाई है दीपक, ये सालों साल पुरानी नदी है। स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी होती थी, कभी इसमें से बालू निकाला जाता दीपक, लेकिन आज उसकी हालत ऐसी है दीपक की, जिसकी मैंने उसको जिस तरह से कहा कि उसको हम हरमू कैनाल के नाम से जानते हैं, सच्चाई है दीपक। अगर उस पर सरकार ध्यान ना दे तो कल वो नाले के रूप में प्रवृत्त हो सकता है दीपक। जिस तरह से उसमें पानी आप देख रहे हैं, जिस तरह से वो कैनाल कट करके नाले के प्रवृत्त में प्रवृत्त हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये रूप से आप उसमें गौर कीजिए कि पूरा का पूरा एक उजागर, जिस तरह से हम 85 करोड़ की बात करें दीपक, जीर्णोद्वार की बात करें, आज बरसात देखिए एक बहाना है। अगर सरकार को काम ना करना हो तो कोई भी बहाना बोल दे कि बरसात का मौसम है, इसलिए बहाने के रूप में हम उसको बोल दे बरसात में, लेकिन बरसात से पहले के रूप में अगर आप काम देखें दीपक, तो उसमें क्या काम हुआ है जीतू चरण जी खुद बताएंगे, उनसे आप खुद पूछिए। लेकिन सीधी सी बात है दीपक, सरकार ने कई प्रोजेक्ट चालू किए हैं, सरकार के प्रोजेक्ट्स के ऊपर सोचने चाहिए। अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप देखें कि हम अगर गंगा नदी को लेकर के जितने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने सफाइयों के चलते काम किया, क्या उसमें आज उस प्रारूप में वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा दीपक। अगर कहीं भी नाम देख ले या दाम देख ले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वो प्रोजेक्ट फेल है दीपक, गंगा नदी की सफाई को लेकर के, और वो स्टेट गवर्नमेंट भी अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट चला रही है तो वो भी फेल है दीपक, सामने दिखता है। ऐसे 85 करोड़ रुपए नाले के रूप में प्रवृत्त हो रहे हैं और ऐसे 85 करोड़ रुपए सरकार अपना ध्यान आकृत नहीं कर रही, जिसका पैसा सरकार का और हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है दीपक जी। हमारे साथ कांग्रेस नेता, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी भी जुड़े हुए हैं। इरफान जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी, इरफान जी, हरमू नदी गुम हो गई है, देखा है आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखा हूँ हरमू नदी, और ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं साफ साफ मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हरमू नदी में के नाम पर करोड़ों रुपए का खरीदारी वहाँ पे किया गया, आज तक वो नदी नहीं बन पाया है, ना वहाँ साफ सफाई हुआ है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 85 करोड़ रुपया का टेंडर हुआ वहाँ पर, अभी तक कोई कार्य वहाँ पर नहीं हुआ, तो आखिर में जाना चाहिए दोषी कौन है? कहीं सरकार जो मंत्री वो तो जिम्मेवार नहीं है, क्या संवेदक जिम्मेवार नहीं है? इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये 85 करोड़ का मामला है, राज्य हित का मामला है क्या? मैं एक झारखंड में कई ऐसे जहां पर टेंडर हुआ है, केवल खाना पूर्ति करने का काम किया, मैं सभी के जांच कराने की मांग करता हूँ, और खास करके जो शहरी विकास मंत्री है राज्य के और जो रांची विधानसभा से बिलोंग करते हैं, हरमू उन्हीं के क्षेत्र में आता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ शहरी विकास के नाम पर जितनी राशियां इनको मिला है, हमको लगता है अभी अब तक किसी मंत्री को नहीं मिला, तो ये मैं कहूंगा इसकी सारी योजनाओं की जांच होनी चाहिए। योजनाओं की तो जांच होनी ही चाहिए, लेकिन ये भी जांच होनी चाहिए कि आखिर हरमू गुम हो गई है, वो गई कहाँ, उसे वापस कैसे लाया जाए। नीतीश जी, पर्यावरणविद लोग अपने स्तर पर प्रयास करते रहते हैं कि हमारे जो पर्यावरण की ओर से तोहफे इंसान को मिले हैं उन्हें बरकरार रखा जाए, तो NGT इस मामले में कोई रोल नहीं निभा रहा है क्या? और सरकार जो नालों का पानी नदी में डंप करने की तैयारी में जुटी हुई है, उसे लेकर कोई कार्रवाई होने की संभावना है क्या? बता दें, जो हरमू नदी की जो स्थिति हमारी है, जब इसका जब किस पर काम शुरू हुआ था जी, तो सबसे बड़ा चीज होता है किसी भी नदी को बनाने में जियोलॉजिकल सर्वे होता है, टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, शायद उसमें इसका ध्यान नहीं रखा गया।
और नदी जो है, जो हमने जो कहा ना कि आगे जो सब शहर का कचरा गिर रहा, क्योंकि रांची का जियोलॉजी उबड़ खाबड़ है, अंड्यूलेटिंग है, तो कहीं ना कहीं इसलिए कठिनाई एक पेश आती है। तो एक जियोलॉजिकल सर्वे होता तो मुझे लगता है कि ये नदी को जो अभी जो स्वरूप है वो नहीं मिलकर कुछ और स्वरूप होता, लेकिन शायद उसमें कहीं कुछ कमी रह गई। तीसरा ये बात है कि अब सरकार कितनी गंभीर है तो सरकार बताइए, लेकिन हम जो नाले जब शुरू से ही नाला बनने लगा तो हमने कहा कि ये गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि नदी का अपना एक वेग होता है, अगर आप उसको बांधिएगा तो वो नदी उसको तोड़ के हटेगी, वो उसके बाउंड्री वॉल को तोड़ेगी, वो तोड़ेगी ही तोड़ेगी, आज नहीं तोड़ेगी, दो साल के बाद तोड़ेगी, पांच साल के बाद तोड़ेगी। जैसे आपका उत्तराखंड में हुआ, जो नदियां अपनी पुराने रास्ते को खोजती हैं तो वो तबाही मचाती हैं। तो हम उस नदी को बहुत छोटा कर दिए, एक तरह से हमने उसको बांध दिया। आप बांधने के बजाय उसको खुला रखते, छोड़ते 50 फुट दोनों तरफ, तो मुझे लगता है कि नदी अपने पुराने अस्तित्व में रहती, क्योंकि वो पानी नहीं है, वो तो नाला हो गया। नदी उसको हम गलत कह रहे हैं, नदी का आप स्वरूप ही नहीं रहा, वो नाला का स्वरूप ले लिया है। जी नीतीश जी, आने वाले वक्त में क्या ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं हो जाएगी, जिस तरह की परेशानियां हरमू के गुम होने से हो रही है? देखिए, सरकार के लिए तो एक सबसे बड़ा ये सरदर्द साबित होगा अगर हरमू नदी गायब हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र को जल देता है, वाटर रिचार्ज करता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, सोनरेखा को पानी देता है, सोनरेखा भी एक खतरे में आ गई है, हरमू नदी है, उसी तरह सोनरेखा की दो तीन और सहायक नदियां जो है रांची के आसपास, जैसे पोटपोटो है, जुमार है, सब पर खतरा मंडरा रहा है, इंक्रोचमेंट का भी, और नदी को हम पतला करते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी नदी को अगर हम पतला करेंगे, हरियाली हटा देंगे उसके चारों तरफ से, तो नदी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। ऐसी छोटी छोटी नदियां बहुत गायब हो गई हैं। बिल्कुल, लेकिन लगता नहीं कि सरकार समझ रही है। जीतू चरण राम जी, अब लगता है कि सरकार को भागीरथ की भूमिका में आना होगा, वो इच्छा शक्ति दिखानी होगी, वो तत्परता दिखानी होगी। देखिए, बारिश के बाद मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, जैसे ही बारिश खत्म होती है, इसका निर्माण का काम जो है काफी तीव्र गति से होगी, और जो भी इसमें बालू मिट्टी नदी के बीच में भर गई है, कचड़े भर गए, उसको साफ करा करके पुनः वो लाइफ लाइन को चालू किया जाएगा। निश्चित रूप से आप देखेंगे जो भी समस्याएं हैं, चाहे टोपोग्राफिकल सर्वे की मामला हो या किसी भी तरह का हो, जो भी हुआ है अब तो हो चुकी है, और इसमें जो चल रही है गति उसको हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, और निश्चित रूप से हम लोग समय सीमा के अंतर्गत इसको आप कंप्लीट करा करके। लेकिन जीतू चरण जी, ऐसा लग रहा है कि वहां किसी निर्माण की आवश्यकता नहीं है, जो पहले से अतिक्रमण करके निर्माण किए गए हैं उन्हें ध्वस्त किए जाने की आवश्यकता है, नदी खुद अपना रास्ता तलाश लेगी। निर्माण कार्य में उसकी भी सर्वे हो चुकी है भाई साहब। दीपक जी, आपकी मालूम होगा कि कोई भी कार्य प्रारंभ होती है तो लैंड एक्विजिशन से संबंधित सारे चीजें प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद काम प्रारंभ की जाती है। ये सारे चीज अतिक्रमण का सर्वे हो गया है, जहां जहां आवश्यकता होगी वहां पर उसे ठीक ठाक करके फिर से काम किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अतिक्रमण को हम यथावत छोड़ देंगे और हम नदी को छोटा करके तो ऑटोमेटिकली छोटा जितना करेंगे उतना वो और भी प्रॉब्लम होगा आने वाला दिन में। जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी क्राइसिस हमारी, सबसे बड़ा फाइट होने वाली है वाटर लेवल के लिए होने वाली है, रांची की लाइफलाइन है, वाटर लेवल मेंटेन किया बड़ा तलाव सकेले होगा, क्यों आसपास के पूरे नदी जहां तक जाती है उससे भी मेंटेन होगा। और यह भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि हरमू नदी वाटर लेवल को मेंटेन करने वाला नदी था जी। और हम लोग भी उसी रूप से काम कर रहे हैं, सरकार भी उसी रूप से काम कर रही है, निश्चित उसे ठीक किया जाएगा। मनमोहन जी, उम्मीद तो काफी है, और तमाम मुद्दों पर इस तरह की उम्मीदें जनता के सामने डाल दी जाती है कि चलिए कुछ तो हो चर्चा के लिए, कुछ तो हो आने वाले वक्त के लिए, सपने सजाने के लिए, लेकिन जब मौत हो जाएगी इस नदी की तो फिर उसे जीवित करने का कोई तरीका नहीं होगा। दीपक, देखिए, जब किसी नदी को या किसी नाले को किसी प्रारूप में आप अगर बदलते हैं नदी, तो जिस तरह से पर्यावरणविद ने कहा, नीतीश कुमार जी ने कहा कि वो अपना एक रूप बदलती है, और वाकई ये सच्चाई है दीपक कि नदी का जो रूप होता है वाकई दीपक, आप उसको कितना भी सांचे के रूप में आप उसको बदल दे, लेकिन जब भी वो अपने प्रवाह पे आता है तो उस सांचे को तोड़ते हुए अपने बहाव को लेते हुए वो अपना रूप वही धारण कर लेता है जिस रूप में वो बना था। एक तरह से लग रहा है सरकार तबाही को आमंत्रित कर रही है। एकदम सीधी सी बात है दीपक, पर्यावरण की बात। हमारे साथ कुणाल साडंगी भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका कुणाल साडंगी जी न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। कुणाल साडंगी जी, हरमू नदी मरनासन है, उसे जीवित करने का सरकारी स्तर पर प्रयास हो रहा है, इलाज करने की तैयारी चल रही है, इलाज हो भी रहा है, लेकिन लगता नहीं कि कोई इलाज कारगर साबित हो रहा है। देखिए, नदियों की बात हम क्या करें, यहाँ इंसान तक सुरक्षित नहीं है, और जिस 85 करोड़ रुपए की बात आप कर रहे हैं सौंदर्यीकरण के लिए, कई तरह की योजनाएं बनाई गई थी कि उसको
कहा गया लंदन की तर्ज पर किया जा रहा है उसका विकास और उस तरह से उसका रूपांतरण जो है उस तरह से होगा। और आज स्थिति आप देख सकते हैं, मुझे लगता है वहाँ एक घाट भी हुआ करता था स्मशान के रूप में जिसकी इस्तेमाल वहाँ होता था, आज उसकी भी दुर्गति वही स्थिति है जो पहले थी। तो बात है कि इतने करोड़ों रुपए जिस योजना में फूके जा रहे हैं, क्या पहले से उसके इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं अध्ययन नहीं किया जाता है? और ये सफाई से लेकर नगर विकास विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो नगरों के सफाई को लेकर हो, सड़कें बनाने को लेकर हो, नालियां बनाने को लेकर हो, ये हर जगह यही स्थिति होती है कि जब वो चीज बन जाती है उसके बाद पता चलता है, या खर्च हो जाता है उसके बाद पता चलता है कि वो खर्च का क्या हुआ जी। उसका जो फलाफल की उम्मीद की गई थी वो फलाफल नहीं निकलता है, क्योंकि जो योजनाएं बनाई गई हैं वो कभी भी धरातल की जो रियलिटीज हैं उसको बिना कंसिडरेशन में लिए गए बनाई जाती हैं, इसलिए उस योजना का सही फलाफल कभी जनता को नहीं मिल पाता है। आज देखिए स्मार्ट सिटीज की बात ये कर रहे हैं, रांची को अभी शायद केंद्र के कोई मंत्री आने वाले हैं जब रांची को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना का उद्घाटन होगा, लेकिन आज रांची में क्या स्थिति है इस बारिश के बाद, रांची के सड़कों की क्या स्थिति हो रही है, सफाई की क्या स्थिति हो रही है, डस्टबिन ओवरफ्लो कर रहे हैं उसके चलते डेंगू के मच्छर जो है उनका प्रकोप बढ़ता जा रहा है और डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, और हम यहाँ स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है, देखिए कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस है, और जितनी गंभीरता से बजट को खर्च करने में या खर्च बजट मांगने में कॉम्प्लीमेंट्री बजट के सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से विधानसभा में जितनी सक्रिय रहती है सरकार, जितना ओवर एक्टिव रहते हैं, वो धरातल पर नहीं दिखता। जी इरफान जी कुछ कह रहे हैं, जी इरफान जी क्या कहेंगे? दीपक जी मैं अभी जीतू चरण जी का बात सुन रहा था, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्हें जो प्रतिक्रिया दी है इस संबंध में, तो क्या ये कॉन्ट्रेक्टर है क्या? जो हालात है, जो नदियां इस राज्य में लुप्त हो रही है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि किसने इसका डीपीआर बनवाया? नदी में नाले का आपने डीपीआर बना दिया, हरमू नदी इतना पुरानी नदी है, वो हमको लगता है कि राज्य का रांची का सौंदर्यीकरण का सबसे बड़ा एक अहम मुद्दे है, नदी है वो, और वहां नदी का नाला के नाम पर 85 करोड़ रुपया बताइए, इतना बड़ा घोटाला। ये हमको लगता है जो प्राधिकारी ने डीपीआर बनाया उससे एफआईआर होना चाहिए और मंत्री पे एफआईआर होना चाहिए। ये राज्य को लूटने नहीं दिया जाएगा इन लोगों के हाथों में। अभी कुणाल जी ने जो बात कहा कि अनुपूरक बजट के नाम पर सरकार राशि तो मांगती है, लेकिन धरातल पर आप क्या क्या उतार दे रहे हैं? यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, जमीन पर खाना खा रहा है हमारी जनता, जमीन पर खाना खा रही है, और आप नाला बनाने के नाम पर 85 करोड़ रुपया आप ले रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है इस राज्य के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ये नदी के नाम पर, नाले के नाम पर ये लोग मोटी रकम वसूल रहे हैं ताकि बालू नदियों से साफ कर दिया इन लोगों ने, बालू में करोड़ रुपया सरकार ने कमाया, आज देखिए नदी में बालू नहीं है। अब ये लोग क्या कर रहा है कि नदी सफाई के नाम पर करोड़ रुपया बहाया जा रहा है, जो राज्य को दुबाने के लिए ये लोग तत्पर हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ बार बार स्वास्थ्य मंत्री से, स्वास्थ्य यहाँ चौपट हो गया, अब शहरी विकास मंत्री राज्य को चौपट कर रहे हैं, तो टोटली आप देख लीजिएगा ओवरऑल इस राज्य जो है ये डूबने के कगार पर आ गया है। प्रतिक्रिया ले लेते हैं जीतू चरण जी की। जीतू चरण जी गंभीर आरोप है, नदियों के सौंदर्यकरण, उनके स्वरूप बदलने को लेकर घोटाले का आरोप। देखिए मैं कहूंगा कि डॉक्टर इरफान अंसारी और विपक्ष के अन्य लोगों का कुछ सकारात्मक सोच भी होता है लेकिन कुछ नकारात्मक भी होती है। तो सकारात्मक सोच में ये होता है कि जहां कुछ कामयाब सरकार का होती है उसे वो लोग बताते हैं ताकि हमारी कहीं ओवरलुक होती है, चूक होती है, उसको ठीक करते हैं। लेकिन मैं इस बात से कतई विश्वास नहीं करता हूं कि यह नदी और नाले के जीर्णोद्धार या ब्यूटिफिकेशन के नाम पर एक लंबी बड़ी रकम की लूट खसोट हो रही है, ऐसा नहीं। सरकार एक बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में काम कर रही है। यदि ऐसा है तो सरकार 1000 दिन पूर्ण करने जा रही है, अभी तक तो किसी ने कोई अंग नहीं उठाया, चाहे केंद्र सरकार के किसी मंत्री पर हो, चाहे राज्य सरकार के किसी मंत्री पर हो। यदि ऐसे आरोप हो तो लोगों को खुल करके आना चाहिए और उसे तथ्य के साथ में बताना चाहिए। लेकिन जीतू चरण जी अगर पैसे की उपयोगिता स्पष्ट तौर पर नहीं दिखेगी तो आरोप तो लगेंगे। जनता के दृष्टि को दिग्भ्रमित करने से आपकी पार्टी या बहुत ऊंचाइयों को छुएगी, ऐसा मुझे नहीं है, बल्कि आप अच्छे कर्मों से ही पार्टी की। जीतू चरण जी अगर सरकार कह रही है कि हम पैसे खर्च कर रहे हैं और उसकी कोई उपयोगिता नजर ही नहीं आ रही है तो इस तरह के आरोप तो लगेंगे। नहीं नहीं उसकी उपयोगिता खर्च हो रही है निश्चित रूप से, उसकी आपकी रिजल्ट भी आएगी, क्योंकि बरसात के कारण कई एक जगह पर काम वर्क पेंडिंग रहा है और रिजल्ट आने वाला। दीपक जी मैं आश्वस्त कर रहा हूँ जनता को कि रिजल्ट उसकी बहुत कम समय पर आ जाएगी। जी नीतीश जी
क्या सरकार को आप भगीरथ के रूप में देखते हैं? वो इच्छा शक्ति दिखती है कि जो राज्य की जनता है जो नदियों पर निर्भर कर रही है उनका तारणहार के तौर पर नजर आए? बिल्कुल, क्योंकि सरकार को ही भगीरथ का रोल प्ले करना होगा, क्योंकि सरकार के पास ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और वो चाहेगी तो वही कराएगी, क्योंकि जब आम आदमी इन्वॉल्व, आम आदमी के लिए अब ये बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि सरकार चाहेगी, अभी भी अगर चाहेगी तो इसका उपाय है कि नदी को पुराने स्वरूप में लाया जाए, क्योंकि जो हमने देखा नदी का स्वरूप, और वही हमने देखा था जो 2 साल पहले मैं ये साबरमती गया था अहमदाबाद, वहां भी देखा कि दोनों तरफ वो ढला जा रहा है नदी को, तो कहीं ना कहीं वो ढलाई यहाँ भी शुरू हो गई, लेकिन यहाँ का जो वेलोसिटी होता है रिवर का वो अलग होता है, क्योंकि पठारी क्षेत्र है, यहाँ के अलग अलग वेलोसिटी होंगे, तो आप देखेंगे कई बार वो जो कंक्रीट का दीवार वो धस गया है, तो वो उस चीज को हम पूरा तरह यहाँ लागू नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को फिर से भागीरथ प्रयास करना होगा, सरकार चाहेगी तो ये कर सकती है, इसमें दो राय नहीं है, और सरकार को करना होगा। और मुझे लगता है कि अगर शहर को, क्योंकि जिस तरीके से नवंबर से ही वाटर क्राइसिस शुरू हो जाता है दिसंबर से रांची में, ग्राउंड वाटर और कुएं सूखने लगते हैं, ये नदियां जो है ना पूरे शहर की लाइफलाइन होती हैं, ये पूरे विश्व इस चीज को जान रहा है, नदियों को बचाने की मुहिम पूरे विश्व में हो रही है कि नदियों को बचाना है, तो हम नदी को ही नहीं बचाएंगे तो हमारी सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। और नीतीश जी, ये जो दूसरी ओर प्रयास हो रहा है डोभा, कितना कारगर हो सकता है अगर ये नदियां ही मौजूद ना हो, ये नदियों का यही बदहाल स्थिति बरकरार रहे और हम डोभा निर्माण पर ध्यान दे, तो कोई फायदा होगा? देखिए आपको एक चीज बता दें, एक प्राकृतिक है जो प्रकृति ने हमको दिया, उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, मानव निर्मित नहीं हो सकता है, प्रकृति अपने हिसाब से तैयार किए हम लोगों के लिए। रही बात डोभा की, तो ये मैं कह सकता हूँ कि डोभा भी आपको वाटर रिचार्ज करेगा, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जहाँ डोभा बनना चाहिए था वो हड़बड़ी में बना, वहां नहीं डोभा बनके, तो इसलिए आप देखेंगे कई बच्चे भी डूब के मर गए, और इसका डोभा आपका कितना जो सक्सेस हो रहा है वो आने वाले वर्षों में बताएगा, क्योंकि डोभा रिचार्ज करता है, इसमें दो राय नहीं है, एकदम करेगा, लेकिन ये देखना होगा कि डोभा हमने कहाँ बनाया है, किस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों स्तर पर थोड़ी खामी दिख रही है। जी कुणाल जी, कुछ कह रहे हैं आप? वही कह रहा था पहले से ही कि योजनाएं तो काफी बनती हैं जी, और योजनाओं के बारे में ये धारणा रहती है कि इस योजना को लागू कर देने से कायाकल्प हो जाएगा, सारी कुछ चीजें बदल जाएंगी, लेकिन धरातल की जो रियलिटीज हैं, जो सच्चाइयां हैं, उनको कहीं ना कहीं हम योजना निर्धारण के समय कंसिडर नहीं करते हैं, जिसके चलते क्रियान्वयन में दिक्कत होती है, चाहे वो डोभा की बात करें, चाहे वो नदियों को बचाने की बात करें, जो बात अभी आपके चैनल के पैनलिस्ट जो कह रहे थे अभी कि अहमदाबाद में और यहाँ की जो टेरेन है उसमें डिफरेंस है, मैं बिल्कुल उसी बात कह रहा हूँ कि जो योजना बॉम्बे में सक्सेसफुल हुई है, अहमदाबाद में सक्सेसफुल हुई है, वो जरूरी नहीं है उसी को आप रेप्लिकेट कर दें, उसी को डुप्लीकेट कर दें, वो रांची में भी सफल हो जाए। तो इसलिए धरातल की सच्चाइयों को लेकर अगर योजना का डीपीआर बनाया जाए, उसकी एनालिसिस की जाए, उसके बाद उसका क्रियान्वयन हो, तो मुझे लगता है हमें ज्यादा सफलता मिल सकती है, लेकिन वो होता नहीं है, और इसलिए एक पर एक जितनी योजनाएं इन लोगों ने गुजरात के तर्ज पर और अन्य राज्यों के तर्ज पर सीधे डुप्लीकेट करने की कोशिश की है, उसमें सफलता हाथ नहीं लगी। जी मनमोहन जी, लगता नहीं कि केवल गंगा पर ही सब लोगों ने ध्यान केंद्रित कर दिया है, अन्य तमाम सामाजिक संगठन, सामाजिक स्तर पर लोग खुद भी अपने आसपास की नदियों को लेकर सजग नहीं है? केंद्र सरकार का कोई प्रोजेक्ट चालू होता है तो दिमाग लोगों की तरफ में अक्सर आप देखेंगे कि उतर ही चलता है, और जिस तरह से गंगा नदी को लेकर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट की और बात किए गए थे, दावे किए गए थे, दीपक ये तो आप भी देख रहे हैं, दीपक आप भी कई बार हर की पौड़ी, चाहे दीपक आप भी किस तरह के नदी हो, किस तरह के आप गंगा नदी में भी आपने स्नान किया हो, क्या आपको लगता है कि क्या आज उस वाकई में जिस तरह वादे किए गए थे क्या वो सफल हो पाया? नहीं दीपक, यही वही बात कहूंगा, ढाक के तीन पात उसमें कोई काम नहीं हुआ दीपक, देखने को और बोलने को वादे करने के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं दीपक, ये पूरे के पूरे मामले में अगर आप देखें तो यही वादा यहाँ नजर आता है, और ऐसे वादों पर ध्यान ना देकर के काम करना चाहिए, सरकार अगर काम करे तो लोगों का विश्वास जगता है दीपक, वादे से कुछ काम नहीं होता, सरकार को काम करना चाहिए, सरकार काम करे लोगों का विश्वास जगता है, और ऐसे जिस नदी की, जिस हरमू नदी की बात कही जा रही है, वो रांची की लाइफ लाइन है, और जहां से पक्ष के मंत्री सीपी सिंह जीत करके आते हैं, लोगों को वादा करते हैं, तो उनका बयान भी शर्मनाक है कि हम इनको स्वर्णरेखा नदी नहीं बना सकते, तो नहीं बना सकते तो आपको वैसी बातें नहीं करनी चाहिए दीपक, आप वही काम करें जो आप कर सकते हैं,
पहली बात तो आपको इस नदी को नाला नहीं बनाया गया। अगर आपने 85 करोड़ का जीर्णोद्वार के पैसे खर्च किए जा रहे तो पैसा दिख नहीं रहा दीपक के कहाँ पैसे खर्च करे। 85 करोड़ रुपए कम नहीं होते दीपक, एक 85 करोड़ रुपए हम सोचिए एक जीर्णोद्वार कहाँ से कहाँ लोगों का एक प्रोजेक्ट संपन्न हो सकता है दीपक, लेकिन वहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। आज उस नदी को नाला बना दिया गया तो उस 85 करोड़ का संबंध दिख नहीं रहा। तो सीधी सी बात है दीपक, अगर आरोप पक्ष विपक्ष लगा रहा तो दीपक उसको सोचने वाली बात है, उस पर जाँच करनी चाहिए और जाँच होनी चाहिए अगर ऐसे मामले है तो। सरकार इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देती है और हरमू का अस्तित्व बरकरार रखने के लिए कोई ठोस और कारगर उपाय नहीं करती है तो हो सकता है राजधानी को शिफ्ट करना पड़े, क्योंकि बिना नदियों के आबादी को राजधानी में बसाना बड़ी मुश्किल चुनौती होगी और वो संभव नहीं होगा इतनी बड़ी आबादी को संभाल पाना बिना इस नदी के। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल षडंगी जी, मनमोहन सिंह राजपूत जी, नीतीश प्रियदर्शी जी, जीतू चरण राम जी और इरफान अंसारी जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। हमारे संवाददाता कमल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कमल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर, इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।